नहीं, वो मीटिंग पोस्टपोन कर दो प्लीज। तो चाल कामयाब रही। मायर की परेशानी से आइडिया हो रहा है कि वो अनाया के बारे में सोच रहा है। अब इस गेम को आगे ले जाने के लिए एक और मोहरे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, थैंक यू। बाबा, मैंने जोना को बहुत समझाया है लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। अजीब जिद्दी हुई हुई है। जिद्दी नहीं हुई बेटा, हालात ने उसे जिम्मेदार बना दिया है। और मैं अपाहिज आदमी फैसला सुन सकता हूँ, फैसले कर नहीं सकता। बाबा, मैं जानती हूँ आप जोनी के इस फैसले से परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, उसने मुझसे वादा किया जैसे ही थोड़े हालात बेहतर होंगे वो पढ़ाई दोबारा शुरू कर देगी। ये बात तो उसने तुम्हारी माँ से भी कही है, लेकिन एक बार जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने के बाद इंसान अपने बारे में कहाँ सोच पाता है। बाबा, मुझे लगता है कि अब अगर उसने ये फैसला ले ही लिया है तो आप उसको इजाजत दे दें। जोना अभी ना तजुर्बेकार है, जमाने की सख्तियों से बेनियाज है। इस दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, और जोना वो तो खुद अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, हमारी जोनी बहुत समझदार हो गई है। उसकी बातों ने तो बाबा मुझे भी बहुत हौसला दिया। आप उसको इजाजत दे दें और उस पर यकीन रखिए। अच्छा, ये खाएं थोड़ा सा।